मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात MIM च्या वतीने युवा नेतृत्व ॲडव्होकेट शफीक भाऊ यांना बीड विधानसभेची उमेदवारी घोषित झाल्याने हजारो तरुणांनी येथील बशीरगंज नगरपालिकेसमोर जल्लोष साजरा केला. यावेळी शफीक भाऊ आगे बढो हम तुम्हारे साथ याच्या घोषणा देण्यात आल्या, तसेच मोठ्या प्रमाणावर फटाके फोडण्यात आले. आज अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह का लाख लाख करम है. मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ जैसे एक आम जो 20-22 साल से सामाजिक का राजकीय क्षेत्र में काम कर रहा था, एक नौजवान, भले बहुत सारे पार्टियों में काम किया लेकिन किसी ने हम जैसे वंचितों को न्याय नहीं दिया. लेकिन ये जो विजन है ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे सरपरस्त है, कायद है, उनका ये विजन है कि मेरे जैसे एक नौजवान नए आदमी को आज MIM का टिकट दिया. उसी के साथ साथ अकबर साहब का भी ये विजन है. मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक आम आदमी पर भरोसा डाला, एतमाद किया और काम करने का मौका दिया. उसी के साथ साथ खासदार इम्तियाज जलील साहब, ये भी इन्होंने भी मुझ पर एतमाद डाला और मुझ जैसे नौजवान को आज यहाँ पर एक मौका दिया कुछ कर दिखाने का. इंशाल्लाह मैं वो मौके को कामयाब करके दिखाऊंगा. आवाम मेरा अल्लाह पर भरोसा है और आवाम पर भी भरोसा है. आवाम मेरा साथ देगी. मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि मुझ जैसे एक आम आदमी को आप वोट भी दे और अपना वक्त भी दे. मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे टिकट देने के लिए बहुत कोशिशें की, दुआएं की. मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी के साथ साथ यहाँ के ज़िले के सदर निज़ाम भाई, उनका भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्होंने भी मेरा साथ दिया. आने वाले वक्त में हम एक जान एक टीम होकर इंशाल्लाह यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ का जो नतीजा है वो MIM ही कामयाब होगी, ऐसा हम काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह. अरे कांग्रेस, 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 अरे क